आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं छोटे छोटे बच्चों के जैकेट डिज़ाइन, वो भी जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनके लिए हम जैकेट लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जैकेट है और बहुत काम की है, हम आपको बताएंगे कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब, आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो हमारे घर में नन्हे नन्हे मेहमान आते हैं, नन्हे मुन्ने मेहमान आते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है, उनके काम की है। क्योंकि जो भी न्यू मेहमान आते हैं, हम उनके लिए चाहते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े, सॉफ्ट कपड़े खरीदना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश लगें ताकि वो, और वाकई में अच्छे कपड़े जब हम पहनाते हैं बच्चों को तो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, काफ़ी अच्छा लुक उनका आता है, प्रिटी और क्यूट तो वो खुद होते हैं बेबीज़, लेकिन अगर आप उनको अच्छे कपड़े पहनाओ तो और भी क्यूट से लगने लग जाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जैकेट डिज़ाइन, ये है रेड और येलो कलर की जैकेट डिज़ाइन, और लुक देख सकते हो आप, पहले सबसे पहले देख लीजिए लुक, और इसमें जो सबसे देखिए जो बने हुए हैं लिखावट देखिए, और ये पीछे इस तरह का है, ये देखिए पीछे, और ये वैसे पैंट टी शर्ट शर्ट इसमें मिलती है, जैकेट अलग से नहीं आती, इस तरह के कपड़ों में मिलती है, पर वो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा पहनाते नहीं हो उसको, तो हल्के फुल्के पहनाते हैं, ज़्यादा एकदम से हैवी नहीं पहनाते, गर्मी लगती है बच्चों को ज़्यादा, और बाहर जाते हैं तो ही पहनते हैं, तो बच्चों की ऐसी वाली जैकेट जो है बच जाती है, सिंपल सादे तो पहना लेते हैं डेली यूज़ में, पर इस तरह की जैकेट्स जो होती हैं बच जाती है और फटती भी नहीं है जल्दी, काफ़ी दिन तक चलती हैं, तो बाद में जब छोटी हो जाए या फिर गर्मी का वक्त आता है तब आप जो कि 2-in-1, 3-in-1 में होती है जैकेट वाली कपड़े, तो इस तरह से देखिए हमने इसमें क्या किया है, बटन लगा दिया है इसमें जैकेट में, बटन लगा दिया है इस जैकेट में, और सिर्फ गर्मी के दिनों में इस तरह से जैकेट ही पहना सकते हो आप, तो ये भी एक कपड़ा हो चुका और बहुत ही लुक आता है अच्छा, और ये देखिए आप चाहो तो इस तरह से सिलाई भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बड़ी टी शर्ट वगैरह है तो आप घर में डेली उसके लिए बच्चों को भी पहना सकते हो, अगर आपके पास सिलाई का मशीन है, स्टिचिंग आती है आपको तो, और नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे कपड़ों में आती है और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, लुक है ना स्टाइलिश, और हमने इसे 2-in-1 बना लिया था क्योंकि इसमें बटन नहीं थी, तो फिर हमने इसे शर्ट की तरह ही पहनाया, बटन लगाया, काफ़ी अच्छा लगा हमें, और बच्चों को काफ़ी अच्छा भी लग जाता है, और इसका यूज़ आप पूरी तरह से कर सकते हो, इस तरह से आप पेंटिंग कर सकते हो, इसमें पेंटिंग है, ये पेंटिंग किया हुआ है, ये देखिए ये सारा पेंटिंग किया हुआ है, आपको अगर पेंटिंग आती है तो आप किसी भी कपड़े में अपना आर्ट जो है कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप कुछ भी अच्छी अच्छी क्यूट चीज़ें, या फिर इस तरह से बना सकते हो, ड्राइंग वगैरह आती है आपको तो आप इस तरह से पेंटिंग में ही बना सकते हो, तो इस तरह से आप सिंपल और सादे कपड़े को भी स्टाइलिश लुक दे सकते हो, अगर आपके घर में पड़ी है और आप वर्क जानते हो पेंटिंग का, ड्राइंग का, और ड्राइंग पेंटिंग नहीं जानते तो भी बस आप लिख करके इस तरह कर सकते हो, ये देखिए होल किया है हमने, इसमें बटन लगा दिया तो निकलती भी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बटन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही हो जाता है, पर थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बटन लगा दो तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों को पहनने में, बटन लगाने में खुद को भी अच्छा लगता है, और ये जो है न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 2 साल तक के बच्चे इसे यूज कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप फटाफट से देख पाएँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।